हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वॉल्यूम 3 में, जो कि है जहाँ पे हम बेबी का करेंगे सेकाई लोबान के साथ, कोयला इस्तेमाल करके, जिससे होगा बेबी को बहुत रिलीफ, रिलैक्सिंग फील होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे आपके आपने याद है, अपने वॉल्यूम 1 में हमने आग लगाई थी, उसका जो बहुत सारा लकड़ी के जलने के बाद कोयला रह जाता है, उस कोयले को हम लोग इकट्ठा करेंगे। आप कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, जैसे हमने यहाँ पे चिमटी इस्तेमाल की है रोटी पकाने वाली, इसको इस्तेमाल करके हम कोयला इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से, आप ये प्लेट भी आप जैसे भी इकट्ठा करना चाहें, हमने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। और इस तरीके से हम सारा कोयला जो है वो निकाल के हम इकट्ठा करेंगे। मेक श्योर जो आप कोयला निकाल रहे हैं वो एकदम जला हुआ कोयला हो, ये नहीं कि अभी भी आधी लकड़ी हो उसमें और जली ना हो। ऐसी ऐसा निकालने पे आपको उसमें से धुआं निकल सकता है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, बहुत बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो एकदम जो जल भुन गया है कोयला, एकदम उसको हमने इकट्ठा कर लेना है। इस तरीके से इकट्ठा करके हम ले जाएंगे फिर इसको बेबी के पास। ये इफ़ेक्टिव तरीका होता है, इससे बेबी को बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। तो ये देखिए कैसे के सामग्री, ये है लोबान, इसको हम लोग सामरानी बोलते हैं साउथ इंडिया में, और ऊद भी बोलते हैं इसको मुस्लिम लैंग्वेज में। इसको इस्तेमाल करते हैं खुशबू के लिए। ये है आपकी हल्दी, ये हमारी आयुर्वेदिक है सर्दी ना होने के लिए। ये है हमारा, देखिए ये जो हमने देखा था, ये है अजवाइन, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी आयुर्वेदिक है, अजवाइन यूज़ कर रहे हैं। और ये बच गया आपका लहसुन का छिलका, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। इस तरीके से हमने सबसे पहले ऊद डाला, मतलब लोबान सांबरानी, इसको डालते ही देखिए कैसे खुशबूदार धुआं निकलता है, और जो कोयला है वो हीट भी देता है और खुशबूदार धुआं भी आता है। इस तरीके से बेबी को बहुत केयरफुली हैंडल करना है आपने, कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो वो ही इस बेबी को हैंडल करें, क्योंकि इसमें को नज़दीक ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो बेबी को हीट ज़्यादा लग सकती है। इसीलिए केयरफुली आपने बेबी को ऐसे करके एकदम उसका जो सर है, बाल हैं, वो एकदम सुखा देने हैं, ताकि उसको सर्दी जुकाम ना हो पाए। और पूरी जो खुशबू है लोबान की, सामरानी की, वो पूरी उसकी बॉडी में चली जाए, उसके बालों में घुस जाए, तो शाम तक वो बहुत रिलैक्स फील करेगी। और देखिएगा अभी बेबी एकदम रो रहा था, और जैसे ही शुरू करेंगे देखिएगा बेबी तुरंत सो जाएगा। अभी तो आप देख रहे हैं ना, बेबी जाग रहा है और अभी रो भी नहीं रहा है, एकदम शांत है। और अब इसको अच्छे से हमने लोबान का हमने हीट दे दिया है, थोड़ा सा रिलैक्स देंगे, तो फिर उसके बाद हम डालेंगे हल्दी। और बीच बीच में आप हीट जो है हाथ से लेके उसको पाँव में, हाथ में, सिर पे, आँख पे, हर जगह सेकते रहिएगा। इस तरीके से आपने अच्छे से सेकना है, एटलीस्ट 2 या 3 बंदे रहें असिस्ट करने के लिए बेबी को। और अब हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी। ये देखिए अभी हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी क्या है, हमारी आयुर्वेदिक है, जिससे कि बेबी को सर्दी जुकाम ना हो जाए। तो ये हमने हल्दी डाला, इसका धुआं हमने बेबी को अच्छे से लेना है। बेबी थोड़ा अगर ये धुआं सूंघ लेगा, पेट अगर नाक से लेगा अंदर, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हल्का सा बेबी को ऐसे मोड़ देंगे, तो इससे क्या है बेबी अंदर ले लेता है। और हल्का सा अगर बेबी कफ करे या छींक भी ले या कुछ ऐसे करे, आवाज़ करे, तो घबराइए मत, वो बहुत इफेक्टिव है। उसका धुआं अंदर जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस तरीके से पूरा बॉडी जो है बेबी का, उसको हीट लगाइए और अच्छे से सिकाई कीजिए। हल्दी बहुत अच्छी चीज़ होती है, आयुर्वेदिक है, सब कुछ जानते ही हैं आप लोग। इस तरीके से अच्छे से उसको धूप दीजिए। बेबी बहुत रिलैक्स फील करता है, क्योंकि दिन भर का जो थकान रहती है, रात भर की थकान, वो पूरी थक खत्म हो जाती है। ये हमने एकदम अर्ली मॉर्निंग या 10 बजे के पहले ही कर लेना है, ताकि पूरा दिन बेबी एकदम रिलैक्स रहे। अब हम इसमें डाल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, और जो अब इस्तेमाल किया है वो है अजवाइन।
अजवाइन को देखिए, इस तरीके से आपने लेना है और अच्छे से डालना है उसी जो कोयले के ऊपर, और बेबी को अच्छे से संभालना है। अजवाइन जो है वो भी बहुत आयुर्वेदिक होता है, इसका धुआं भी बेबी के लिए बहुत आयुर्वेदिक होता है। और इसी के साथ साथ हमने लहसुन के जो छिलके हैं उनका भी इस्तेमाल किया है, वो भी एक आयुर्वेदिक तत्व है जो बेबी की बॉडी के लिए, बेबी की सांस के अंदर जाए, हेल्थ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इस तरीके से आपने अच्छे से बेबी को धुआं सब लगा देना है और मेक श्योर कि एकदम अच्छे से इफ़ेक्टिवली उसको बेबी को होल्ड करें और बहुत अच्छे से धुआं उसको लगाया जाए ताकि बेबी को पूरे दिन रेस्ट मिले, अच्छे से रिलैक्स रहे, रिलीफ रहे, कोई पेन ना हो, कोई सर्दी जुकाम ना हो। एक बार अब हम और क्या करेंगे हम, ये देखिए उल्टा भी ऐसे तरीके से डालिए ताकि वो धुआं है पूरा अच्छे से ले ले बेबी, सर्दी जुकाम की कोई आशंका नहीं बचनी चाहिए। बेबी ऑलरेडी सोने की स्टेट में है, जैसे ही ख़त्म होता है बेबी तुरंत थोड़ा सा ज़्यादा रखने से देखिए ऑलरेडी सो चुका है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। अब हम जो आखिरी बार एक और बार क्या करेंगे, लोबान सांबरानी जो है उसका एक बार और इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या है, जो खुशबू है बॉडी बॉडी में बेबी के, वो जो लोबान की खुशबू है वो पूरे रात तक, शाम तक, अगले दिन तक रहती है। बेबी बहुत फ्रेश फील करता है और आप उसको उठाएंगे, बेबी को प्यार करेंगे, किसी करेंगे तो भी आपको उसकी खुशबू लोबान की आती है।